हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो पे कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले वीडियो पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस कॉन्जुगेट एंड इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैंने पहले वीडियो पे बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर जो स्टूडेंट या जो जिसको ये मॉडुलस कॉन्जुगेट एंड इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में समझना है, तो प्लीज़ आप लोग पहले नंबर वन वाला जो वीडियो है कम्प्लेक्स नंबर का, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज जो हम लोग सीखेंगे वो है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड बोला जाता है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम लोग जो बेसिकली सीखेंगे प्रॉपर्टी नंबर फोर, जो कि आर्गुमेंट है या तो एम्पलीट्यूड निकालना बोला जाएगा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो इसको सीखने से पहले हम लोग कुछ और टॉपिक या कुछ और पॉइंट के बारे में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर जान लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को थोड़ा जानना होगा, जो पॉइंट्स हम लोग को कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना है वो है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लास 11 में हम लोग को ये दो फॉर्म ही याद रखने हैं अभी, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर के दो फॉर्म होगा, जो कि पहला वाला जो हम लोग लिख रहे हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो कि मैं पहले से लिख रहा हूँ, तो इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, या कार्टेशियन फॉर्म भी बोल सकते हैं हम लोग। तो कार्टेशियन या पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, या जो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। और दूसरा जो है, इसी को हम लोग अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो कि पोलर फॉर्म रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोलर पोलर फॉर्म। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं, वन इज पैरामेट्रिक फॉर्म, या जिसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोल रहे हैं, द अदर वन इज पोलर फॉर्म, जो कि जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात है कि हम लोग मोस्टली अभी इसी के ऊपर ही हम लोग ज़्यादातर सॉल्व या क्वेश्चंस जो है वो करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक जो रहेगा वो पोलर फॉर्म के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ और भी कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं, इसको कोऑर्डिनेट वाइज भी हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स है ना, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट के हिसाब से, याद है आप लोग क्लास 10 में हम लोग किए हैं या 9 में भी हम लोग किए, कि ज्योमेट्री जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो था फॉर्म, तो इसमें भी कम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई। लेकिन जो कि क्लास 10 में आप लोग का जो था, इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप लोग जो पॉइंट रखते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे टू डायमेंशन, है ना, 2D जो हम लोग डायमेंशन, क्योंकि दो डायरेक्शंस होते हैं इसलिए क्या होता है, टू डायमेंशन बोलते हैं। लेकिन इसी को अगर हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, जैसे एक्स वाई अगर यहाँ पे कहीं पे है एक्स वाई, तो ये जो प्लॉटिंग जो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे आर्गन प्लेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्गन प्लेन, ठीक है ना, आर्गन प्लेन। तो जो कि हम लोग का नॉर्मल जो रियल वाला जो होते थे क्लास 10 में, हम लोग कोऑर्डिनेट किए ज्योमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो किए थे, और जो हम लोग प्लॉटिंग करते थे, जो भी कुछ करते थे, वो सारे हम लोग का क्या हो जाता था कि टू डायमेंशन, मतलब दो डायमेंशन में चलता था, और वो 2D ग्राफ होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग सेम टू सेम फॉलो करेंगे, बट नाम क्या हो जाएगा, जस्ट वो आर्गन प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे टू डायमेंशन के जगह पे अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई कम्प्लेक्स नंबर को एक्स और वाई के फॉर्म में अगर प्लेस करते हैं या पुट करते हैं या प्लॉट करते हैं, तो नाम कहलाएगा आर्गन प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे अगर दिया रहेगा, जैसे कि 1 और ये -2 दिया हुआ है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 रहता है, आप लोगों को पता है ये x पॉजिटिव में है, ये x माइनस होता है ना, ये y माइनस, ये y पॉजिटिव रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, x है हम लोग का क्या 1, सो 1, और y कितना है -2, सो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा। और इसको जो प्लॉटिंग हम लोग किए हैं 1 -2, जो कि z था, कम्प्लेक्स नंबर था, है ना। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर हम लोग प्लॉट किए हैं, इस प्लेन को क्या बोला जाएगा, आर्गन प्लेन। और प्लॉटिंग इस तरीके से होता है, नॉर्मल जैसे क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, उसी टाइप से होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे मैं और कुछ बताने वाला हूँ, जो कि 2D एक्सिस पे ही रहेगा। तो
जैसे यहाँ पे 2D एक्सिस है, कोई एक्स कॉमा आ वाई जो है वो इस तरह से बैठा हुआ है, कोई जेड, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं हम लोग, अगर ठीक है ना, एक यहाँ से लाइन लेते हैं इस पर, और ये एक्स का पॉजिटिव वाला पॉइंट है, एक्सिस है, ठीक है। तो अगर ये जो लाइन है ये मेक करता है एक एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, अगर थीटा एंगल मेक करता है ना, तो इस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो थीटा है क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है ना, या तो आर्गुमेंट बताया जाता है, जो कि हम लोग जो टॉपिक 4 पे हम लोग यही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। और जो ये लेंथ होता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, इसको हम लोग मॉड जेड जो लिखते हैं, या इसको हम लोग आर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो बाद में काम आएगा। तो ये जो थीटा है आप लोग को याद रखना है, जो कि एम्पलीट्यूड या तो आर्गुमेंट कहलाता है। अब हम लोग जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है उसको मैं एलाबरेट कर देता हूँ कि किस तरह से आर्गुमेंट या कुछ चीज़ निकाला जाता है। तो नंबर 4 जो था आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, ऑफ किसका, जेड का। तो एक प्रॉपर्टी ये कैसे बताए थे, जिस तरह से हम लोग पहले वीडियो में मैंने बताया था उसी तरह से बता रहा, जैसे कि इफ़ जेड इक्वल टू, अगर एक्स प्लस आई वाई अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जो कि क्या के फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में या पैरामेट्रिक फॉर्म में है, अगर इसका हम लोग को आर्गुमेंट निकालना है, देन आर्गुमेंट जेड, ठीक है, या एम्पलीट्यूड जेड इज इक्वल टू क्या रहेगा, जिसको हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थीटा लिख दे रहा हूँ, थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट जेड इक्वल टू 10 इनवर्स, ठीक है ना। हमेशा याद रखना 10 इनवर्स होता है बाय वाई बाय एक्स, ये मॉडुलस में देना है आपको। मॉडुलस मतलब आप लोगों को पता है, नॉर्मल एल्जेब्रिक मॉडुलस, जो कि वाई जो भी टर्म रहेगा यहाँ पे लिख लेना है, एक्स नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे आपको उस टर्म को लिखना है एंड सिंप्लीफाई करना, और ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था हम लोग का। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशंस आता है, तो वो कंडीशंस मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग को। सो आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ कंडीशंस के बारे में जानना है। तो पहला जो कंडीशंस है, नंबर 1, इफ़ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है, एंड ठीक है, कंडीशन ये है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये दोनों बिलोंग्स टू कर रहे हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन जो आर्गुमेंट रहेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 10 इनवर्स वाई बाई एक्स, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर बिलोंग करता है एक्स और वाई, दैट मीन्स फर्स्ट क्वार्टर मतलब आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट क्वार्टर मैं यहाँ पे बता दूंगा फिर भी, ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा समझ लेगा। तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब होता है दोनों पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, एक्स भी पॉजिटिव हो जाए और वाई भी अगर पॉजिटिव हो रहा है दोनों, तो वो फर्स्ट क्वार्टर पर बिलोंग करता है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब वो सेकेंड क्वार्टर पर है, और थर्ड क्वार्टर के लिए हम लोग को पता है कि दोनों का दोनों क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये है तो इसी पे कंडीशंस कुछ कुछ आते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। नंबर 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर होता है तो आर्गुमेंट जेड इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिखने हैं, 10 इनवर्स वाई बाई एक्स के फॉर्म में, यही जो रहेगा वो आंसर रहेगा, ठीक है। अभी दूसरा कंडीशंस हम लोग देखते हैं। सो नंबर 2 जो कंडीशंस रहेगा, नंबर 2, कि अगर इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया, एंड एक्स वाई अगर बिलोंग करता है, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट पर बिलोंग करता है, तो क्या होगा इस पर, पहले आपको क्या लिखना होगा, सम आल्फा इज इक्वल टू, ठीक है ना, आल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स क्या कर लीजिए, मॉड में वाई बाई एक्स लिख लीजिए, पहले आपको ये निकाल लेना है, ठीक है। देन आर्गूमेंट जो रहेगा इस तरह से लिखना है, देन आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू क्या रहेगा, पाई रहेगा, और पाई के साथ माइनस में क्या लिखना है आपको, अल्फा लिखना है, मतलब ये आंसर होगा, ठीक है ना, आर्गुमेंट जेड इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, ये पाई है, पाई के साथ माइनस कुछ थीटा होना चाहिए, तभी जाके सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, है ना। तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग, पाई माइनस अल्फा। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो मैं एक एग्जाम्पल
लिख रहा हूँ, जैसा एग्जांपल लेते हैं, जेड इक्वल टू हम लोग माइनस वन प्लस आई लेते हैं, ठीक है। सो माइनस वन प्लस आई, जो कि जान ही रहे हैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, माइनस वन कॉमा ऑब्वियसली वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, वन है। तो ये दोनों ऑब्वियसली बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट पे बिलोंग कर रहा है। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट पे अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका हम लोग किस तरह से एम्पलीट्यूड निकालेंगे। सो तब लिखेंगे हम लोग देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या लिखना है, टेन इनवर्स मॉड में क्या रहेगा, वाई बाई एक्स, वाई है वन और एक्स कितना है, माइनस वन। तो ये सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो टेन इनवर्स, यहाँ पे जानते हैं मॉड नेगेटिव को भी हम लोग क्या में लिखना है, पॉजिटिव में लिखता है, तो ये टेन इनवर्स वन हो रहा है। तो टेन इनवर्स वन मीन्स क्या हुआ, टेन इनवर्स टेन कितना डिग्री, वन कितना डिग्री में होता है, 45 डिग्री में, ये कैंसिल होके क्या आ जा रहा है, पाई बाई फोर, है ना। अभी क्या करते हैं हम लोग, जान रहे हैं कि ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो इसलिए आर्गुमेंट जो होगा, आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैंने बोला क्या लिखना चाहिए, पाई माइनस अल्फा। तो ये लिखा है पाई माइनस अल्फा कितना आया हम लोग का, पाई बाई फोर। तो ये हम लोग का सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो क्या आ जा रहा है, 3 पाई बाई 4। तो ये आंसर हो जा रहा है जब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर बिलोंग करता है। तो इसी तरीके से मैं थर्ड का भी लिख दे रहा हूँ एंड फोर्थ का भी लिख दे रहा हूँ, जो कि आप लोग को समझना है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को कुछ ऑलरेडी नोट्स लिख के दे रहे हैं कि आर्गुमेंट जब भी निकालना हो तो इफ़ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, और अगर एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तो आर्गुमेंट अल्फा जो रहेगा वो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स रहेगा, कुछ चेंज नहीं करने हैं। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे, अगर एक्स वाई सेकेंड क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है, देन आर्गुमेंट जेड इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, जहाँ पे अल्फा मतलब टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो पहले आप सेपरेटली अल्फा निकाल लीजिए, देन पाई के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आर्गुमेंट व्हेन एक्स वाई बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बिलोंग करता है तो आर्गुमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा रहता है, बस वो चीज़ हम लोग को नेगेटिव में लिखना है। तो सेम टू सेम ही रहेगा, नेगेटिव में रहेगा बस, ठीक है। और अल्फा मतलब टेन इनवर्स मॉड में वाई बाई एक्स। एंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रहता है, तो क्वाड्रेंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, देन आर्गुमेंट रहेगा वो माइनस में अल्फा रहेगा, सिर्फ माइनस में अल्फा लिखना है, ठीक है ना। तो ये था हम लोग का क्या, आर्गुमेंट निकालने का कुछ जो फॉर्म है या कंडीशंस हम लोग बोलेंगे वो ये ही है, ठीक है। सो हम लोग तो आज जो है वो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 किए हैं। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं वीडियोस में आप लोग को बताऊंगा, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पोलर फॉर्म भी करेंगे, एंड देन स्क्वायर्स, कुछ स्क्वायर रूट निकालने रहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है।